व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैश विद अवेज, जहां मैं आपको सिखाता हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस की स्ट्रेटजीज जो आपको इजीली 3 स्टार दिला सके होम बेस और बिल्डर बेस दोनों में। यो गाइस, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये एक बहुत ही एक्टिव चैनल है, तो आपको रोज़ नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। अभी थोड़ा मैं बिज़ी था इसलिए वीडियोज़ नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ वापस। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारे वीडियोज़ की तरफ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बढ़िया TH12 वर्सेस TH13 अटैक जो मैंने किया था सुपर वॉल कैरी यूज़ करके। जी हाँ, सुपर वॉल कैरी जो हमें लगता था कि बहुत ही बकवास होगी, लेकिन वही सुपर वॉल कैरीज यूज़ करके मैं आपको 3 स्टार करके दिखाऊंगा ये स्ट्रेटजी से। जैसे कि मैंने TH10 में फैल्कन अटैक यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। सो गाइस, ये फुल स्ट्रेटजी का वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा। अभी मैं आपको मेरा वॉर अटैक दिखा रहा हूँ जो मैंने किया था TH12 वर्सेस TH13 अटैक। ये देख सकते हैं आप, 2 नंबर को मैंने 3 स्टार कर दिया है ये स्ट्रेटजी यूज़ करके सुपर वॉल कैरी। देख सकते हैं आप कितना खतरनाक बेस है ये TH13 बेस है। इसके एक्सबोज मैक्स है, इन्फर्नोज मैक्स है, वॉल्स भी का TH11 मैक्स है और TH12 मैक्स भी है। देख सकते हैं सारे मैक्स, इन्फर्नोज, एक्सबोज, इसके एयर डिफेंसिस भी मैक्स है। तो ये बेस बहुत ही टफ होगा। आप सोच ही सकते हैं आप कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी होगी जो इस बेस को हम 3 स्टार कर पा रहे हैं यहाँ पर। तो TH10 में फैल्कन स्ट्रेटजी यूज़ की थी वही है, बस यहाँ पर हमने वॉलकैरिस की जगह सुपर वॉलकैरिस यूज़ किए और बैट स्पेल यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए, पहले क्वीन वॉक शुरू कर दिया है यहाँ पर, क्वीन विथ 5 हीलर्स, और उसके पहले बलून्स डाल दिए थे एक सीकिंग एयरमाइन डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर, और साइड में मैंने एक बॉलर भी कर दिया है थोड़ा फनलिंग में हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पर वॉल ब्रेकर छोड़ दिए, लेकिन वॉल्स ही नहीं टूटी यहाँ पर। देखिए, मैं 6 वॉल ब्रेकर छोड़ रहा हूँ और ये इनविजिबल स्पेल यूज़ किया, लेकिन फिर भी अब पता नहीं ये वॉल क्यों नहीं टूटी। तो चलिए देखते हैं क्या होता है अटैक का। यहाँ पर मैं इनविजिबल स्पेल यूज़ कर क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहा था इन्फर्नो टावर से, देख सकते हैं आप। अब क्वीन जो है वो आगे बढ़ती जा रही है क्योंकि वॉल ब्रेकर ने वॉल नहीं तोड़ पाए। 6 वॉल ब्रेकर से एक वॉल नहीं टूटी, पता नहीं क्या हुआ। अब यहाँ पर दूसरी साइड पर मैंने एक पैकेज डिप्लॉय कर दिया है थोड़ा फनल क्रिएट करने के लिए, और फिर सेंटर में सारे ट्रूप डाल देंगे लॉक लॉन्चर के साथ। और यहाँ पर आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि रेंज बहुत कम ली है फैल्कन स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो लेकिन रेंज टेक्निकली कम नहीं है क्योंकि हमारे पास 4 रेंज बॉटल्स है। कहाँ पर? सुपर वॉल्कैरिस के ऊपर। आपको पता होना चाहिए कि सुपर वॉल्कैरिस जो है वो रेंज बॉटल्स लेकर जाती है। जैसे ही सुपर वॉल्कैरिस डाउन होती है वहाँ पर रेंज डिप्लॉय हो जाता है ऑटोमेटिकली उन बॉटल्स में से। यहाँ पर देखिए, एक रेंज जो था हमारा वो डिप्लॉय किया है। देखिए, सुपर वॉल्कैरिस का भी एक रेंज निकल चुका है और अब ट्रूप्स जो है एकदम सेंटर में पहुँच चुके हैं। तो मैंने वार्डन से एबिलिटी यूज़ कर लिया क्योंकि टाउन हॉल जो है वो एक्टिवेट हो चुका है यहाँ पर। अब देखिए, टाउन हॉल डिस्ट्रॉय हो चुका है यहाँ पर। ऑसम वैल्यू गाइस। तो मैंने बैट शुरू कर दिया यहाँ पर, इन्फर्नो टावर देख सकते हैं बहुत ही डैमेज दे रहा है, तो अब बैट्स उसे भी डाउन कर देने जाएंगे। और देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे ट्रूप जो अटैक कर रहे हैं। आपको लग नहीं रहा होगा ये बढ़िया स्ट्रेटजी है, लेकिन देख सकते हैं आप क्या ही बढ़िया अटैक हुआ है यहाँ पर। सुपर वॉल्कैरिस का जो रेंज है वो येटीज और हमारे पैकर्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, तो वो जल्दी एक्ट करते और हीरोज भी है हमारे। तो देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट सारे डिफेंसेस यहाँ पर डाउन कर दिए स्ट्रेटजी ने। तो ये बहुत ही बढ़िया अटैक हुआ है यहाँ पर हमारा, बहुत ही बढ़िया शानदार अटैक। यो गाइस, कैसा लगा आपको? उम्मीद नहीं होगी कि ये 3 स्टार होगा, लेकिन आपको उम्मीद लगा नहीं होगा कि 3 स्टार कैसे होगा, लेकिन देख सकते हैं आप कितना इजीली 3 स्टार हुआ है यहाँ पर। पैका हमारा लाइव है, बार्बेन किंग भी फुल हेल्थ पर है, वार्डन भी फुल हेल्थ पर, और कुछ बॉलर्स भी दिख रहे होंगे आपको। और ये बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर हो चुका है हमारा अटैक 3 स्टार। तो चलिए, अब दूसरा अटैक दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर भी दूसरे बेस पर अटैक किया है मैंने, 4 नंबर के बेस पर अटैक किया है, देख सकते हैं आप। ये भी TH13 बेस है,
तो उम्मीद है आपको ये अटैक भी सही लगेगा। देख सकते हैं अब ये अटैक में आइलैंड बेस्ड टाइप था फुल, तो मैंने रॉयल गोस्ट भी यूज़ कर लिया। रॉयल गोस्ट जो था वो आपको पता ही होगा रॉयल गोस्ट क्या काम करेगा। यहाँ पर रॉयल गोस्ट से मैं इन्फर्नोस डाउन करने की कोशिश करूँगा। चलिए अटैक शुरू करते हैं हमारा। पहले जो है वो सीसी की साइड से हम अटैक करेंगे ताकि सीसी डिटैक कर ले हमारी आर्चर क्वीन। देख सकते हैं आप सीसी में से दो ड्रैगन्स निकल चुके हैं यहाँ पर, और आर्चर क्वीन के पहले एक वो भी डालना है बलून। और यहाँ पे देखिए इनविजिबल स्पेल यूज़ कर लिया है पहले की तरह, और बेबी ड्रैगन से साइड में फनलिंग थोड़ा किया है मैंने। अब देख सकते हैं क्वीन के 8 पॉइंट्स डाउन हो रहे, तो मैंने और एक इनविजिबल स्पेल यूज़ कर लिया है, और इसी के साथ ड्रैगन हमारा डाउन हो चुका है। तो सीसी इसी तरह से डाउन हो चुकी है। एक बलून रह गया था निकलना, तो वो निकल गया है। यहाँ पर देखिए मैंने रॉयल गोस्ट डाल दिया है, देख सकते हैं आप। ये देखिए रॉयल गोस्ट ने अपना काम कर दिया, इन्फर्नो को डाउन कर दिया। और अब देखते हैं स्कैटर शॉट डाउन हो पाता है नहीं। ऑसम, स्कैटर शॉट भी डाउन कर दिया रॉयल गोस्ट ने, ओपी। तो आपको कितना बढ़िया वैल्यू मिल गया। यहाँ पर मैंने आर्मी में क्या चेंज किया, सिर्फ बॉलर्स की जगह पे मैंने लिए रॉयल गोस्ट। रॉयल गोस्ट तो अभी वैसे ही ख़त्म हो चुका है, तो लेकिन मैंने पहले अटैक किया था इसलिए रॉयल गोस्ट तब अवेलेबल था। अभी आप बॉलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए फनलिंग किया है मैंने ताकि रॉयल गोस्ट जो है वो अंदर जा सके, लेकिन वो अंदर नहीं गए। लेकिन कोई बात नहीं है कि इन्फर्नो और एक स्कैटर शॉट तो डाउन कर ही चुके, और यहाँ पर क्वीन के हिट पॉइंट्स डाउन होने से, इसलिए मैंने क्वीन पर इस बार रेज यूज़ किया है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4 रेज बॉटल्स है सुपर वॉल्काइर इसके ऊपर। अब यहाँ पर टाउन हॉल एक्टिवेट हो चुका है, तो हम क्वीन से एबिलिटी यूज़ कर लेंगे। अब देखिए ट्रूप्स सेंटर में पहुँच चुके हैं, और सुपर वॉल्काइर का वो भी मिल चुका है, और इसी के साथ टाउन हॉल हो चुका है डाउन। बहुत ही शानदार अटैक गाइस। अब बैट शुरू कर देंगे हम यहाँ पर। क्वीन देखिए, क्वीन भी फुली लाइव है, और सुपर वॉल्काइर इसका जो रेज है वो भी गिरता जा रहा है, तो हमारे ट्रूप्स को बहुत बढ़िया रेज मिल रहा है। यहाँ पर बैट्स को भी रेज मिल चुका है, रेज द बैट्स, यो व्हाट अ परफेक्ट 3-स्टार अटैक इज गोना बी गाइस। ये देख सकते हैं आप स्वैग फ्री स्पेल हमने रॉयल चैंपियन पे ऐसे डाल दिया है, और इसी के साथ रॉयल चैंपियन भी अब डाउन हो चुका है। तो देख सकते हैं आप क्या ही बढ़िया अटैक हुआ है यहाँ पर। सो आपको ये अटैक पसंद आया होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग मी गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे स्ट्रेटजी का वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, फुल स्ट्रेटजी वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके लिए स्टे ट्यून गाइस, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। सी यू सून गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।